नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे राधिका किचन में। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कद्दू की रेसिपी। इसे कदीमा भी बोलते हैं। मैंने यहाँ 1/2 kg कद्दू लिया है, इसे मैं कट कर लूँगी। आप इसे मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लें। देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। आप इस तरह से कट करके छिलके के साथ भी बना सकते हैं और बिना छिलके के भी बना सकते हैं। अगर आपको छिलका ना पसंद हो तो आप उसे हटा दें। मैंने इसमें हटा कर लिया है और ये सारे पीसेस देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं चलती हूँ इसे बनाने। तो मैंने मसाले में लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी और थोड़ा सा हींग। बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, उसे मैं डालूंगी 5 फोरन। ये ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और जितने भी सारे मसाले मैंने लिए हैं ये सारे मैं भी डाल दूंगी। आप एक बार में इसे डाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसे 2 मिनट तक फ्राई करें और इसमें थोड़ा पानी डाल दें, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गुड़। आप जब भी इसकी सब्ज़ी बनाएं तो गुड़ या चीनी ज़रूर डालें, ऐसा हमारे बड़े कहते हैं कि जब भी कदीमा का सब्ज़ी बनाओ तो उसमें गुड़ या चीनी ज़रूर डालना चाहिए। तो मैंने इसमें गुड़ डाला है, आप चीनी भी डाल सकते हो। आप इस तरह से कदीमा डाल के पूरा फ्राई कर लें। देखिए आँच पे इसे पकाएँ, इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। आधा भून चुका है, आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ये आराम से पक जाएगा। देखिए मैंने इसमें पानी डाल के ढक के रखा था, ये लगभग पक चुका है। थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी। ये मेरा सब्ज़ी पककर तैयार हो चुका है। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना, कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी कमेंट में ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।